आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड के टॉप 5 अपकमिंग मूवीज के बारे में जो कि 2022 में रिलीज होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है मधुकर पाठक और आप देख रहे हैं बीटा उत्तर। धर्म के लिए जिया हूँ, धर्म के लिए मरूंगा। तो इस लिस्ट पे जो 5वें नंबर पे मूवी है वो है अक्षय कुमार की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म पृथ्वीराज। फिल्म का बजट अप्रोक्स 300 करोड़ है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, फेयरलेस किंग, पृथ्वीराज चौहान के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। फिल्म में हमें मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर भी नजर आने वाली है और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि एक डेब्यू मूवी होगी मानुषी चिल्लर की। फिल्म को 21 जनवरी 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है। फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो कि एक ऐसे एजेंट के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के राइटर आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ राघवन, जो कि वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी भी लिख चुके हैं। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर प्रीतम, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर है। फिल्म के डायरेक्टर है मनीष शर्मा और इस फिल्म में हमें रणवीर शौरी की भी कमबैक देखने को मिलेगी। फिल्म को 2022 तक रिलीज कर दिया जाए। आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती, अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म पठान। फिल्म एक बहुत ही बड़ी एक्शन स्पाय थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में हमें शाहरुख खान के अलावा जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं। इसी के साथ सलमान खान की भी कैमियो अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकती है इस फिल्म में। फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है और फिल्म को अर्ली 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर। ये एक पैट्रियोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है। अप्रोक्स 250 करोड़ के बजट पे इस फिल्म को बनाया जा रहा है। फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण साथ दिखाई देने वाली। ये एक मच अवेटेड जोड़ी होगी बॉलीवुड की, इसे लोग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म के डायरेक्टर होंगे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग और वॉर जैसी बड़ी पिक्चर भी दी है। ये फिल्म 30 सितंबर 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ चल रहा है दुनिया में ईशा, ऐसा कुछ जो नॉर्मल लोगों के समझ के बाहर है। कुछ पुरानी शक्तियां हैं, कुछ अस्त्र हैं। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है ब्रह्मास्त्र। आपको बता दूं कि इस मूवी को पिछले 9 साल से बनाया जा रहा है। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म को अप्रॉक्स 350 करोड़ के बजट पे बनाया जा रहा है। फिल्म एक मैथोलॉजिकल सुपर हीरो फैंटेसी फिल्म होगी। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और नागार्जुन सर भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में मौनी रॉय भी दिखेंगी नेगेटिव कैरेक्टर में। फिल्म की पार्ट 1 को 9 सितंबर 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो टॉप 5 अपकमिंग मूवीज 2022 में जो रिलीज होने वाले हैं। आप इनमें से कौन सी मूवीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बीटाउन तक।